लखनऊ से बड़ी खबर है। 12 सितंबर से फिर शुरू होगा सपा का प्रबुद्ध सम्मेलन। औरैया में 12 सितंबर होगा दूसरे चरण का पहला प्रबुद्ध सम्मेलन। 19 सितंबर को बांदा में होगा आखिरी प्रबुद्ध सम्मेलन। 17 को फतेहपुर और 18 सितंबर को चित्रकूट में ये प्रबुद्ध सम्मेलन होगा। न्याय पंचायत स्तर पर प्रबुद्ध समाज की गोष्ठियां भी इसी महीने होंगी। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में ये फैसला लिया गया है। तो 12 सितंबर से सपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का दूसरे चरण का आगाज होने जा रहा है, यानी कि दूसरे चरण की शुरुआत होगी। 19 तारीख को उसका समापन होगा, 17 को फतेहपुर, 18 को सितंबर में, 18 सितंबर को भी किया जाएगा। और ये बता दें आपको, गोष्ठियां इसके जरिए की जा रही हैं और ऐसे में ये प्रबुद्ध सम्मेलन जो है 19 तारीख को जाकर समाप्त होगा। तो औरैया में 12 सितंबर को होगा दूसरे चरण का प्रबुद्ध सम्मेलन। संकल्प इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संकल्प, हर कोई पार्टी जो है प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है। सपा का प्रबुद्ध सम्मेलन कल ही खत्म हुआ, बीजेपी ने भी शुरू कर दिया। अब सपा की तरफ से भी प्रबुद्ध सम्मेलन का ये दूसरा चरण है। कोशिश यही है कि ब्राह्मणों को किसी तरीके से साथ दिया जाए, हालांकि ये कहा जा रहा है कि सभी वर्गों को बुलाया जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां अपना वोट बैंक मजबूत करने में जुटी हुई हैं, वहीं समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो या भाजपा हो, तमाम पार्टियां प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही हैं और कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का जो वोट बैंक है उसको मजबूत करना चाहती हैं। वहीं बसपा कहीं ना कहीं जो घटनाएं हुई प्रदेश में उसको लेकर के सरकार पे हावी है, तो समाजवादी पार्टी ने भी पहले चरण में ये रणनीति बनाई थी, तमाम ब्राह्मण नेताओं को जिम्मेदारी दी थी कि वो प्रबुद्ध वर्ग लोगों के बीच में जाके समाजवादी सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करें। और इसके साथ ही अब ये रणनीति आगे भी जारी रहेगी। इसके लिए ये माना जा रहा है कि प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन में सरकार की नीतियों को लेकर के जो अब तक काम हुआ है उसमें किस तरीके से तंज कसना है, और लगातार जो ब्राह्मणों को लेकर समाजवादी पार्टी अपना वोट बैंक मानती रही है और आगे की रणनीति, चूंकि 2020 में यह माना जा रहा है कि प्रबुद्ध वर्ग जिसके साथ में रहेगा उसकी सत्ता आने वाली है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी ने फिर से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करने शुरू किए हैं। और यह माना जा रहा है कि मायावती के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन जो किया गया था उसमें तमाम तरीके की बातें कही गई थी, जिस तरीके से बताया गया कि बीजेपी की सरकार सपा और कांग्रेस की गलती से आई थी, तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि अब बसपा पर कहीं ना कहीं अपना कहा जा सकता है वोट बैंक जो बसपा ने काटा है उसको जोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी अब तमाम कोशिशें शुरू करने जा रही है। उसके साथ ही प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। बिल्कुल, संकल्प ये मानकर चला जाए कि चूक जो है वो किसी तरीके की नहीं होनी चाहिए, खासकर एक खास तबके को मनाने के लिए, और इसीलिए ये जद्दोजहद जो है वो शुरू हो रही है, भले ही उसमें फिर किसी भी पारे से गुजरना हो, कुछ भी करना हो, वो फिलहाल हर पार्टी करती हुई नजर आ रही है। और हम ये देख रहे हैं कि अब चूंकि इलेक्शन आने वाले हैं तो यात्राओं के दौर शुरू हो चुके हैं, अब रैलियों के दौर भी शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो लगातार सभी पार्टियों ने यात्राओं का दौर भी शुरू किया और सम्मेलन लगातार किए जा रहे हैं, तो ऐसे में कोई चूक नहीं करना चाहती है। सभी वोट बैंक की जो जिन पे नजर है सभी पार्टियों की उसको मजबूत करना चाहती है, और कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को लेके लगातार इस चुनाव में ये माना जा रहा है कि एक बड़ा वोट बैंक माना जा रहा है। और हालांकि बड़ा वोट बैंक है संकल्प, इसीलिए यहाँ पर कोई नहीं चाहता है कि वोट बैंक जो है वो खिसके यहाँ पर से, और इसीलिए ये तमाम कोशिश है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।